किसान भाइयों, राम राम, नमस्कार, जय जोहार। और आज मैं आया हूँ अपन खेत में घूमे, और आप मन देख सका था जमुना पान के मस्त रोपाई हुए है। तो आप मन मैं अपन धान के कल्ला गिन के बता था, तो ये 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो 18 से 20 आसपास के है अभी कल्ले में। और इन्हें सिर्फ 1 महीने ही हुए है रुपाई करे, तो आप मन देख सकते हो जमुना पान के रिजल्ट है। और ये धान के एक ठो आप मन ला बतात हूँ कि जब यह गर्भावस्था में आते और धान छटकना चालू हो जाते तो अचानक से यह बढ़ते धान है, और हवा अगर करीस तो एक सूते के भी एक ठो प्रॉब्लम है। काफ़ी वजनी धान है जो कई ठो आजकल धान हो गए, जैसे कि 84-35 उपज तो काफ़ी बढ़िया दिखे, लेकिन वो धान है धीरे धीरे सूखते जाते और वजन नहीं आए। तो वो मंडी आत्मन ले गई है, तो एक कट्टा में तो भरवे नहीं करे और वजन आवे नहीं करे। तो ऐसे धान मत लगाया करा आप मन, हाइब्रिड में मत जाया करा, संशोधित धान लगावा, जैसे कि ये हो गए जमुना पान। तो आप मन देख सका था ये नीचे वाला भी खेत मोड़े गए है और काफ़ी ज़बरदस्त पैदावार हो है। तो आप मन अच्छी पैदावार ले सका था मोर जी से, तो आप मन देख सका था मोर धान ला भी सिर्फ 1 महीने हुए है और काफ़ी 1 नंबर के रिजल्ट है, ये देख सका था। यहाँ से वहाँ तक पूरा 1 नंबर के धान है। तो आप मन भी ऐसे ही खेती करो और काफ़ी अच्छा उपज लेवा, ये देख सका था। मैं अभी नाइट्रोजन डाले सिर्फ 12 अगस्त के इसमें मैं नाइट्रोजन डाले हूँ, और अभी फूल अपन के प्रचंड रूप में है। अभी देख सकता था आप मन कलर एकदम काला है और काफ़ी ज़बरदस्त पैदावार अभी देने वाला है धान। तो मोर संग बने रहिए और मैं अपडेट बताते रहूँ।